हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 8.1 के कुछ चार पांच क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और मैंने कुछ होमवर्क में भी दिया था। तो कुछ बच्चों ने तो होमवर्क किया है, सेंड कर दिया मुझे, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया। तो समझ सकता हूँ कि हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रही हो करने में। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है बच्चों? और आपसे बोला फाइंड कीजिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड फाइंड करने के लिए बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? चलिए देखिए जरा, पहले हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जल्दी बताओ, क्या कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है, ठीक है? अच्छा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8, तो कर दीजिए स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आ गया जी आंसर। नाउ अब किसकी बारी है? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट में क्या है? 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। लेकिन इससे पहले ना हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ना हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, तो हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों। सो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और यहां पर एंगल ले लूं थीटा, यहां पर एंगल क्या ले लूं? थीटा। तो मुझे ये बताइए, कॉट के हिसाब से क्या होता है भाई? कॉट के हिसाब से होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भाई थीटा के हिसाब से बेस कौन है बच्चों? तो बच्चों ये है 7, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मतलब ये 8। तो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे, ये निकालेंगे, नाम देंगे ए बी सी, ठीक है? यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हाँ जी, प्रमेय द्वारा क्या है? तो 90 डिग्री सामने वाला, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी है बच्चों 8, बी सी है 7, 8 हो गया 64, 7 हो गया 49, दोनों को ऐड करोगे 113। ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ आके रूट बन जाएगा, तो बच्चों ए सी कितना आ गया? √113, मतलब हाइपोटेनियस क्या आ गया? √113। नाउ अब हमें जो निकालना है वो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। तो बस बात खत्म, 1 प्लस साइन थीटा। हाँ जी, साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। हाँ जी, 1 माइनस ए बी यानी साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी अपॉन, हाँ जी, 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना? बी सी। हाइपोटेनियस कितना? ए सी। बेस कितना? बी सी। हाइपोटेनियस कितना? ए सी। तो बस 1 प्लस ए बी कितना है? 8/√113, 1 माइनस 8/√113। हाँ जी, प्लस बी सी 7/√113, 7/√113। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करा, √113, 8/√113, इसको इससे √113, 8 नीचे, √113। ये काम करो ना यार, इतना झंझट क्यों पाले बच्चों? सिंपल सा एक काम करते हैं, हम छोड़ दो इसको, इतना तो मैं झंझट में डाल रहा हूं मैं, इससे अच्छा तो मैं ये कर दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, बात खत्म। तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1,
8 का स्क्वायर 64, रूट 113, 1 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका 113। करो क्रॉस मल्टीपल करो, इसको इससे करोगे 113, इसको इससे करोगे 64, नीचे को नीचे से करोगे 113, इसको इससे करोगे 113, इसको इससे करोगे 49, नीचे को नीचे से करोगे 113। बच्चों 113 से 113 कट गया, बचा क्या, 113 से 64 गया 49 और 113 से 49 जाएगा 64 आंसर। इस तरीके से करना बच्चों, कीजिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A = 4, ठीक है, और आपसे बोला है भाई प्रूफ करना है हमें, यानी चेक वेदर, हमें ये चेक करना है कि -tan²A / 1 + tan²A क्या बराबर है cos²A - sin²A के। इसके बराबर प्रूफ करने के लिए पूछा है, क्या बराबर है भी या नहीं। तो चलिए नाउ 3 cot A = 4, 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड 4/3। तो आपको पता है ऊपर वाला कौन होगा cot के हिसाब से बेस, नीचे वाला कौन होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो एंगल A के हिसाब से देखेंगे परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई 3, बेस कितना आ गया 4, तो पाइथागोरस यूज करना और ये 5 आ जाएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस, ठीक है जी। पाइथागोरस लगा के आपका क्या आ जाएगा भाई, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5, बस बात खत्म। अब ये यूज करेंगे नाउ, बच्चों पाइथागोरस आपको खुद यूज करना है, ठीक है, मैंने सिखा दिया है, बस इस वाले के लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। 1 - tan²A / 1 + tan²A बराबर cos²A - sin²A। अब हमें चेक करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 - tan, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan कौन a, a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है bc और बेस कौन है ab, इसका स्क्वायर 1 + bc / ab² हाँ जी। तो 1 - bc कितना है, bc बच्चों 3 और ab कितना है 4, इसका स्क्वायर 1 + 3/4² तो 1 - 3 का 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 16, सॉल्व करो 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 कट गया 7/25 आंसर। तो ये किसका आंसर है, इसका। अब इसको चेक करते हैं नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड cos²A - sin²A, cos²A a के हिसाब से, यानी cos क्या होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है ए बी अपॉन ए सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी बी सी अपॉन ए सी। तो ये है 4/5 का स्क्वायर, ये है 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25, 9/25, हाँ भाई 16/25, 9/25, तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 16 में से 9 हो गया 7/25, तो बच्चों देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। करो नोट करो, नोट कर लिए बच्चों। चलो
हाँ जी, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। क्या बच्चों, कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये रहा ए, ये रहा बी, बी पे राइट एंगल है सी। अब कह रहा है अगर टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। अपनी तरफ से भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी देख लो, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। फोर्थ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके सामने, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगा इसका और थर्ड पार्ट कराऊंगा इसका, बाकी सेकंड और फोर्थ आपको खुद करना है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से। अब देखिए टेन ए 1/√3, तो 1 कौन होगा, परपेंडिकुलर, नीचे वाला कौन होगा, बेस, हाँ कि ना, टेन यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है भाई, बी सी 1, बेस कौन है, √3। तो जब √3 और ये 1, तो ये आएगा बच्चों 2, कैसे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। ये आपको कैसे निकला 2, ये आपको खुद निकालना है पाइथागोरस यूज करके, क्या यूज करके, पाइथागोरस। नाउ अब मैं पहला पार्ट निकालूंगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हाँ जी, साइन ए, तो बच्चों साइन ए मतलब एंगल ए के हिसाब से देखना है, साइन ए मतलब ए के हिसाब से, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है फिक्स, ए सी। इंटू कॉस सी, अब किसके हिसाब से देखना हमें, सी के हिसाब से, ठीक है, कॉस सी मतलब सी के हिसाब से, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सी के हिसाब से बेस लेटा हुआ कौन है, बी सी, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है ए सी। प्लस कॉस ए, अब की बार फिर से कॉस देखना है, लेकिन कहां से देखना है, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है ए सी। साइन सी, साइन सी मतलब साइन के बाद कहां से देखना, सी से, और क्या देखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के सामने परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी, फिक्स। तो बी सी कितना है, 1/2 गुना 1/2 प्लस बी सी, ए बी कितना है, √3/2, √3/2, तो 1/4, √3 × √3, 3/4। हाँ जी, तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो 4/4 कट गया, आंसर 1, आंसर क्या आ गया, 1। नाउ अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, चलो प्लस वाला करा दिया मैं, अब एक माइनस वाला करा रहा हूं, ये करा रहा हूं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना है भाई। कॉस ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, ए बी अपॉन ए सी, कॉस सी की आपने वैल्यू क्या निकाली, बी सी अपॉन ए सी, साइन ए की वैल्यू क्या निकाली, बी सी अपॉन ए सी, और साइन सी की वैल्यू क्या निकाली, ए बी अपॉन ए सी। हाँ जी, तो ए बी, ए बी कितना बच्चों, ए बी आपको दिया हुआ है √3, ए सी कितना दिया हुआ है, 2, बी सी कितना है, 1, 2, बी सी कितना है, 1/2, ए बी कितना है, √3/2, तो √3 से 1, 2 × 2 = 4, √3 से √3, 2 × 2 = 4, प्लस माइनस कट गया, आंसर 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है, जल्दी नोट कर लो, बाकी के दो क्वेश्चन घर से। इसका क्वेश्चन नंबर 10, चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर 8.1 खत्म।
क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, जबकि खाली पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है साइन पी की वैल्यू निकालो, कॉस पी की वैल्यू निकालो, टेन पी की वैल्यू निकालो, और तीन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कॉसेक पी, सेक पी और कॉट पी। छः की छः वैल्यू निकालो, इनकी वैल्यू निकालो सबकी, ठीक है जी। अब देखो पी क्यू कितना, 5। पी आर और क्यू आर इन दोनों की मिलाकर वैल्यू 25 दी गई है, लेकिन अब तक क्या हो रहा था बच्चों, हम लोग जो पाइथागोरस लगा रहे थे अब तक क्या हो रहा था कि दो साइड दी होती थी तीसरी निकालनी होती थी, दो साइड दी होती थी तीसरी निकालनी होती थी, दो साइड दी होती थी तीसरी निकालनी होती थी, लेकिन इस बार एक साइड दी है और बाकी दो लाइनों के लिए कंडीशन दी गई है। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो आपने पी आर की वैल्यू निकाल ली, तो 25 ये प्लस का क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर। अभी आपकी हेल्प करेगा, अभी आपकी हेल्प करेगा कैसे, नाउ यूजिंग क्या, पाइथागोरस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब पी आर का स्क्वायर, ऊपर जाने वाला परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, और नीचे बेस में जाने वाला पी क्यू। तो पी आर, पी आर अभी अभी किसके बराबर लिया मैंने, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर की कोई वैल्यू नहीं है। पी क्यू कितनी है, 5। क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है। तो बस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल, 25 का 625, 50 क्यू आर 25, प्लस का 25 इधर आके माइनस का, और माइनस का 50 क्यू आर उधर जाके प्लस का, तो यह आ जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, और ये क्यू आर 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर 12 आ गया तो पी आर कितना आएगा नाउ, हाँ जी, तो पी आर बराबर है, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13। कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। नाउ बात ही खत्म, अब हमें कुछ करना ही नहीं। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉसेक पी, सेक पी और कॉट पी, जब तीनों साइड आ गई तो सब कुछ निकल जाएगा मेरे लिए। साइन पी यानी साइन को पी के हिसाब से देखो, तो पी के हिसाब से बच्चों, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है तो पी आर। तो क्यू आर कितना आया, 12, ये कितना आया, 13, साइन पी की वैल्यू आ गई। इस तरह कॉस पी, कॉस पी क्या होता है भाई, हाँ जी, कॉस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसके हिसाब से, पी के हिसाब से, तो पी के हिसाब से बेस कौन है, पी क्यू, हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। तो कितना आंसर आ गया, 5/13। फिर इस तरह टेन पी, हाँ जी, टेन पी, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस कौन है, क्यू पी। तो बस आंसर क्या आ गया, क्यू आर कितना है, 12, ये कितना है, 5 आंसर। अब इस तरह कॉसेक निकालना है तो कॉसेक साइन का उल्टा, सेक निकालना है कॉस का उल्टा, कॉट निकालना है टेन का उल्टा, ठीक है बच्चों, करो इसे। इसी के साथ आपका 8.1 खत्म होता है, तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं 8.2 शुरू करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं।
8.2। चलिए बच्चों 8.2 शुरू करते हैं, और 8.2 शुरू करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत होगी, जो टेबल अब हम लोग यहां पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए टेबल बनाए। टेबल बनाते हैं बच्चों, पहले देखो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, कम से कम 5-6 बार लिखना है तब जाके आपको याद होगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इतने ही एंगल पढ़ने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? अब पहली वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, 0/4 रूट, 1/4 रूट, 2/4 रूट, 3/4 रूट और 4/4 रूट। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। चलिए तो साइन की वैल्यू निकलती है इससे, 0/4, यानी 0 को डिवाइड कर दो 4 से तो कितना आएगा 0। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/√1/2। भाई 2 से कटा 1, 2 से 4 कटा 2, तो 1 का तो √1 और √2 का √2, तो साइन 45 का कितना हो गया √2। 3 का √3, 4 का 2, 4 का 2, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। फिर 4 से 4 कट गया 1, तो 1 का क्या होगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू ना साइन की रिवर्स होती है। साइन की क्या होती है, रिवर्स, पलटते हुए नहीं, कैसे, वैल्यू पलटते हुए। तो बस ये 1 इधर आ जाएगा, यानी जो साइन 90 पे है वो कॉस 0 पे है, जो 60 पे है वो 30 पर है, 45 पे सेम रहेंगे, जो 30 पर है वो 60 पर है, और जो 0 पे, वो जो 0 पे है वो 90 पर है। ठीक है, इस तरीके से। अब टेन, टेन जो होता है बच्चों वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सही बात है। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू को डिवाइड कर दो कॉस की वैल्यू से तो टेन थीटा आ जाएगा। तो बस 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3। और याद रखना, जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो बच्चों डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं 0 सेब को मुझे 100 बंदों में बांटने हैं तो भाई आराम से बांट दूंगा, ये लो भाई 0 सेब, 0 सेब, 0 सेब, 0 सेब। मैं कहूंगा मेरे पास 0 फल है और मेरे को 50 लोगों में बांटने हैं तो बांट दूंगा, 5,000 लोगों में बांटने हैं बांट दूंगा, तो 0 को जितना मर्जी बांटते रहो, कभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर आता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है जी, क्लियर। इसी प्रकार अब देखो, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा याद रखना बच्चों इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका 0 का उल्टा इन्फिनिटी। टेन का उल्टा कौन होता है बच्चों, कॉट, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, √1/√3 का 3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। क्या होता है, 0। तो बच्चों ये टेबल आपको याद करनी है हर हाल में, और कैसे याद करनी है ये भी देख लो, एक तो पहली बार 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 कम से कम 5 से 7 बार इसको लिख के देखना है। ठीक है, 7 बार लिख के देखना है, जिसमें से 3 बार लिखना है देख के और 4 बार लिखना है बिना देखे, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये देखिए,
तो भाई कैसे करेंगे फटाफट देखिए इसको कैसे करेंगे। साइन 0 0 साइन 31 बाय 2 साइन 45 1 बाय रूट 2 साइन 60 रूट 3 बाय 2 साइन 91 कॉस 0 1 कॉस 30 रूट 3 बाय 2 कॉस 45 1 बाय रूट 2 कॉस 60 1 बाय 2 कॉस 90 0 10 0 0 10 30 1 बाय रूट 3 10 45 1 10 60 रूट 3 10 90 इन्फिनिटी। ठीक है कॉसेक 0 इन्फिनिटी कॉसेक 30 2 कॉसेक 45 रूट 2 कॉसेक 60 2 बाय रूट 3 और कॉसेक 91 sec 0 1 sec 30 2 by root 3 sec 45 root 2 sec 60 2 sec 90 क्या भाई infinity cot 0 infinity cot 30 root 3 cot 45 1 cot 60 1 by root 3 और cot 90 कितना बच्चों 0 कितना है 0 clear। चलिए अब देखो नोट कर लो बच्चों से चलो चलिए बच्चों आप क्वेश्चन करें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी बच्चों ने ये टेबल उतार ली होगी और टेबल अब आपने सामने रखना है सभी को। टेबल क्या करना है अपने सामने रखना है। तो पहला साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 ये दिया हुआ है जी कह रहा वैल्यू निकालो। ठीक है जी निकाल देंगे। बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देख के बताओगे तो रूट 3/2 सही बात है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देख के बताओगे तो रूट 3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 टेबल में से देख के बताया। कॉस 60 की वैल्यू टेबल में 1/2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3 2 मल्टीप्लाई 2 4 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 4। हाँ जी आपको पता ही है जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 3 और 1 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट 1 दो नंबर का क्वेश्चन फ्री में हो गया। देख रहे हो दो नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल छोटा सा बच्चों का खेल है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का सेकंड पार्ट 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हाँ जी 210 45 तो बच्चों 10 45 की वैल्यू होती है 1 लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस 30। हाँ जी कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इस पे भी लगा देंगे। साइन स्क्वायर 60 इसकी भी होती है रूट 3/2 तो इसके ऊपर भी स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, भाई प्लस माइनस कट गया, 2 1 जा 2 आंसर, 2 1 जा 2 आंसर, देख रहे हो कितना इजी है,
फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद कराऊंगा कौन सा पार्ट, इसके बाद करेंगे फिफ्थ, फिर करेंगे फोर्थ, फिर करेंगे थर्ड। नोट कीजिए, नोट करो बच्चों इसे। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर पहले फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ पहले एक काम करो, खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसी का, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट खुद ट्राई करो। करो सभी बच्चे फिफ्थ खुद ट्राई। हाँ जी, जब खुद ट्राई कर रहे हो, अब देखो खुद ट्राई किया होगा आपने। चलिए अब देखते हैं किस किस बच्चों का आंसर मैच हुआ। 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 square 45 और sin² 30 प्लस cos² 30। चलो अच्छो देखते हैं, 5 cos² 60 तो बच्चों cos 60 होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी आएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और स्क्वायर इस पे भी तो इस पे भी आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 और 1। हाँ भाई, sin² 30 तो मतलब 1/2 का स्क्वायर, cos² 30 √3/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करेंगे, 5 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 √3 का 3 2 का 4 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1/1। हाँ भाई, इसमें तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। अब सॉल्व करेंगे, करो 1 को इससे करेंगे 16, 3 को इससे करेंगे -3, 3 को इससे करेंगे 3 3 और 1 4/4। बच्चों 4 से 4 कट गया 1, तो 1 तो कोई महत्व भी नहीं करता, 1 नीचे होना, तो कितना बच गया, 5/4 प्लस 16 में से 3 गए 13/3। सॉल्व कर दो, 3 को इससे करेंगे 15, 4 को इससे करेंगे 13 चौक 52, नीचे को नीचे करेंगे 4 3 12, तो कितना हो गया 67/12 आंसर। करो बच्चों, करो इसे। ओके बच्चों, चलिए इसी का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड करा रहा हूं, फोर्थ आपको घर से खुद ट्राई करना है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आपको कराया जाएगा। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। चलिए बच्चों देखेंगे, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है कितनी, cos 30 की सोच लो, cos 30 की √3/2, तो इसके उल्टा कर दो। cosec 30 की वैल्यू होती है कितनी, sin 30 का उल्टा कर लो, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 1/√2, इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 2√3, नीचे को नीचे करेंगे √3। अब 1/√2, अब पता ही है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन पलट जाएगा, 1/2 पलट जाएगा, √3 ऊपर, 2 + 2√3 नीचे। हाँ जी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अब इसको क्या करो बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या करोगे, तो 2√2 + 2√2 × √3 √6। ठीक है, अब बच्चों याद रखना कि जब भी नीचे रूट का नंबर आ जाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है,
रैशनलाइजेशन, तो लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण द्वारा, हर का परिमेयकरण करण द्वारा, ठीक है जी। तो रूट थ्री, टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं ये भी सुनो, जो नंबर नीचे लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ना ये, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। लेकिन अगर साइन प्लस का है तो माइनस लगा दो दोनों जगह, और अगर माइनस का है तो दोनों जगह क्या लगा देते? प्लस। बाकी रहेगा सब कुछ सेम। अब करो मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, और नीचे क्या सा दिख रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही है। चलो अब कैसे करें, रूट थ्री अंदर मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा टू रूट टू रूट रूट सिक्स, टू अंदर मल्टीप्लाई करो। हाँ भाई, सिक्स थ्री जा 18 अपॉन टू का स्क्वायर 4, रूट टू का 2, टू का स्क्वायर 4, रूट सिक्स का 6। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 2, अंदर बच गया रूट सिक्स माइनस रूट 18, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, टू रूट सिक्स माइनस रूट 18, 8 में 24 गया माइनस 16, कट गया 8। ऊपर से भी बच्चों माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाली चीज प्लस में और प्लस वाली चीज माइनस में, और ये माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आया? रूट 18 6 अपॉन 8। और भी अच्छा आंसर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो कि रूट 18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हो, हाँ कि ना? बिल्कुल। रूट 9 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रूट 9 होता 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस 6 अपॉन 8, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप यहां भी छोड़ सकते हो, आप यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये आपको मैंने करा दिया 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। अब आपको घर से इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करके लाना है, फोर्थ पार्ट ट्राई करना है इसका, और सेकंड का, सेकंड के चारों पार्ट ट्राई करने हैं। क्या करना है? सेकंड के चारों पार्ट। तो 8.2 के सेकंड के चारों पार्ट और 8.2 के फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये आपको घर से करके लेकर आना है, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक 8.3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए।